नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रंजीत तिवारी के अनुसार आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जन अधिकार पार्टी के विस्तार को लेकर संग्रामपुर के इजरा में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र ने की। उन्होंने बताया कि आज गरीब जनता महंगाई से परेशान है। निर्माता दीपक सिन्हा ने अपना जन्मदिन मुंबई में अरमान कोहली के घर बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर दीपक सिन्हा ने एक फिल्म बनाने की घोषणा भी की। उन्हें बर्थडे की बधाई देने के लिए इंडस्ट्रीज की कई हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें अरमान कोहली, सीमा आजमी, विकास वर्मा, अरविंदर सिंह, हरीश मधापरिया सहित कई लोग मौजूद थे। अखगांव बाजार में ललिता भवन में प्रखंड संदेश स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी बिंदु कुमार, प्रखंड समन्वयक अनिल कुमार, प्रशिक्षक विजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यशाला में उपस्थित उत्प्रेरकों को फीडबैक फाउंडेशन के विजय कुमार, SRP अविनाश कुमार, प्रिंस कुमार, विशेष प्रेरक श्याम कुमार चौधरी, गुड़िया देवी, जूली कुमारी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने उड़ीसा दौरे के दौरान तालचर पहुंचकर फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 3 तलाक बिल को संसद में पास कराने का प्रयास किया, लेकिन इसे राज्यसभा में रोक लिया गया। 3 तलाक ने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को तबाह कर दिया है। हमारी कोशिश होगी इसे संसद में भी पास कराया जाए। ओडिशा के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तलचर में उर्वरक प्लांट के पुनरुद्धार कार्य के शुरुआत को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा, अब इस प्लांट का पुनरुद्धार शुरू हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 36 महीने में काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं फिर एक बार आपके बीच आऊंगा और इसका लोकार्पण करूंगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को मिस्र पहुंची। मिस्र सेना के मध्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल इमाद अल गजली ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया। आपको बता दें, भारत मिस्र संयुक्त आयोग बैठक के 7वें सत्र में शामिल होने के लिए मिस्र के रक्षा मंत्री समय सोकरी इस साल 22-23 मार्च को भारत दौरे पर आए थे। जम्मू कश्मीर में 2 SP और 1 पुलिस कांस्टेबल की आतंकियों द्वारा की गई हत्या से दहशत का माहौल है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद से 45 SP और 2 पुलिस कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि गृह मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में ऑफसेट साझेदार के संदर्भ में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के कथित बयान को लेकर आज ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी ने मिलकर भारतीय रक्षा बलों पर 130,000 करोड़ रुपए की सर्जिकल स्ट्राइक की है। मोदी जी, आपने हमारे शहीदों के लहू का अपमान किया है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने भारत की आत्मा से विश्वास घात किया है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है sineaajkalindia@gmail.com। राफेल पर छिड़ी सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान के बाद फ्रांस की वर्तमान सरकार ने कहा कि वो राफेल डील के लिए भारतीय औद्योगिक भागीदारों को चुनने में किसी भी तरह से शामिल नहीं थी। सरकार ने जोर देते हुए कहा कि फ्रांसीसी कंपनियों को करार करने के लिए भारतीय कंपनियों का चयन करने की पूरी आज़ादी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दूसरे यूरेशियन वुमेन्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए कानून से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना है। ये अनोखी बात है कि पिछले साल दुनिया में बस 2 राष्ट्रों की संसद में उसके किसी सदन में 50% या उससे अधिक महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व था और दुनिया भर में 25% से भी कम सांसद महिला हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर विदेश मंत्रियों की प्रस्तावित मुलाकात रद्द किए जाने से पाकिस्तान बौखला गया है।
कुरैशी ने विदेश मंत्री स्तर की इस बातचीत को रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसा लगता है कि भारत ने अगले वर्ष प्रस्तावित अपने चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अनारक्षित वर्ग के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के तहत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होने दूंगा। मैं आपके परिवार का मुखिया हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि न केवल शिवपुरी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस एक्ट के अंतर्गत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होगी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं और इसी वजह से उन्हें इलाज के लिए बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गोवा के कांग्रेस पर्यवेक्षक ए चेला कुमार ने पर्रिकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हो सकता है वो इस समय अस्पताल में भर्ती हों। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक से हों, लेकिन मुझे ऐसे संदेश मिल रहे हैं कि आप अस्पताल में रहने के दौरान लोगों को फोन कर धमका रहे हैं। राजस्थान के कोटा जिले में एक मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले टॉफी का लालच देकर बच्ची को गणेश पंडाल से अगवा किया और फिर एक घर की छत पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर लोग उसकी तरफ भागे, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दबिश देकर रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। मुकेश और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की इटली में सगाई के मौके पर कई बॉलीवुड के सितारे पहुंचे। सगाई के वेन्यू से जाह्नवी और अनिल कपूर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जाह्नवी कपूर ईशा अंबानी की सगाई के मौके पर अपने सबसे बेस्ट लुक में नजर आईं। प्रियंका चोपड़ा अपने मंगेतर निक जोनस के साथ दिखी, तो वहीं फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी पहुंचे। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM India TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।